ये परिक्रमा एक आम भारतीय नारी की परिक्रमा है, जिसकी कामना है एक जागरूक और साक्षर समाज की, जिसे चिंता है उन लोगों की जो इतने वर्षों के प्रयासों के बाद भी पीछे छूट गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हुई? कहां रह गई खामी? ऐसे कई सवाल उसके मन में हैं। वो कारणों को ढूंढना और समझना चाहती है। वो देश के विभिन्न राज्यों की परिक्रमा कर वहां के साक्षरता आंदोलन के अनुभवों से अपने प्रश्नों का उत्तर तलाशना चाहती है। पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अब बात पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले। कहां तो लड़की पैदा होने पर दुखी हो जाते थे, भ्रूण हत्या से लेकर नवजात शिशुओं की हत्या तक की घटनाएं होती रहती हैं, और यहाँ बच्ची का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, शायद यही बदलाव है। वैसे भी शिक्षा का प्रभाव तो जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। मुझे इनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो पाया। पेट में था जब लगवा लिया टीका, पहले मन भी रुकन था। पहले ऐसा कौन करता था? बाद में ये साक्षरता में पढ़े, मन समझाई, थोड़ी समझ आई, दिमाग में ज्ञान आया। पहले पुन भी था साहब मान, तो ये मैं तीन महीना था तब से टीका लगवाया, फिर समय समय पर लगवाते रहे। साक्षरता से बहुत फायदा हुआ हमें। साक्षरता के कारण आया ये बदलाव तो अपने आप में काफी महत्व रखता है। वैसे राजस्थान के इस गांव के माहौल से ही लगता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम काफी जोर शोर से चला है, इसका असर भी दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो जयपुर जिले का ये शेखुपुर गांव अब पूर्ण साक्षर गांव हो चुका है। मुझे यहाँ के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में। वैसे भी यहाँ महिलाओं की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या शेखुपुर की सारी महिलाएं भी साक्षर हैं? यह आंदोलन 96 में शुरू हुआ था। पहले तो महिला बिल्कुल अनपढ़ थी, उनको किसी भी चीज का पता नहीं था। टीकाकरण के लिए जाया करते तो बोलती हम नहीं लगवाते टीका, उका पक जाएगा, हमारा तो अपंग हो गया, ये हो गया, कई बातें करती। चिट्ठी डालनी होती तो दर्शना चिट्ठी पढ़ी हो, हमारे हस्बैंड की चिट्ठी आई है। दो तीन बार मैंने उनको कहा तुम लिखना सीखो, मेरे पास आओ मैं पढ़ाऊंगी। एक दो बार तो मना कर दिया, ना हम के सिखाऊंगा, तुम ही लिख दो। महिलाओं ने पहले भाग लिया कि हम मतलब अपने जैसे भाई पीर में अपने माँ बाप के यहाँ पहले नहीं पढ़ी, और जब हमें अब मौका मिल रहा है पढ़ने का तो हमें पढ़ना चाहिए। और उस मतलब वो जो जितना पढ़ी हैं उतना हमें मतलब फायदा मिल रहा है उसका। 26 अप्रैल को आई थी कलेक्टर साहब, उन्होंने गांव की औरतों को शिक्षित देखा, पढ़ी लिखी देखा, तो उन्होंने बोला मैंने गांव को गोद ले लिया है, मैं तुम्हारे सारे काम करवाऊंगा। ये गाय पहले तो ये गली कच्ची पड़ी थी, खड्डे थे बहुत ज़्यादा, फिर उन्होंने 1 लाख रुपए के लिए कहा था, लेकिन 4,75,000 रुपए दिलवाए गांव को। ये सड़कें पक्की करवाई, हमारे को बहुत अच्छा लगता है।
सभी बहने पढ़ने लिखना सीखी, बोलना भी सीखी। शेखुपुर की साक्षर महिलाओं के लिए तो ये सचमुच गर्व की बात है कि उनकी वजह से गांव की सड़क बन गई। और महिलाओं के जागृत होने का असर तो बच्चों की शिक्षा पर भी हुआ ही होगा। स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ा है, मिडिल तक का है, करीब 7-8 कमरे, अच्छा बिल्डिंग है, मास्टर 2 हैं। यदि उनकी जगह 5 हो जाएं तो अच्छा रहे, पढ़ाई अच्छी ठीक प्रकार से हो जाए। लेकिन वो 2 हैं, वो भी अपनी ड्यूटी नहीं समझते। इसकी पढ़ाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम पास में सांगटेड़ा गांव है, वहाँ प्राइवेट स्कूल है, तो पहले जैसे 5-10 लोग वहाँ बच्चियों को भेजा तो उनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, बच्चे भी मतलब रहन सहन का फर्क रहा। तो हम मतलब ज़्यादातर बच्चों को वहाँ भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में। 5वीं तक का तो हमारा यह है रिलेशन। इसके बाद में हम हमारे यहाँ हाई स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल है, उसमें पढ़ाई बढ़िया होती है, तो वहाँ भेजते हैं 6 क्लास से। इसका मतलब शेखुपुर में अभी और भी बदलाव की जरूरत है, शायद लगातार प्रयास। राजस्थान के बाकी गांवों में भी तो पढ़ने पढ़ाने का दौर चलता रहा है, शायद उन गांवों की स्थिति बेहतर हो। तिलोनिया गांव का नाम पहले भी सुना था, शायद यहां मेरे सवालों का उत्तर मिल जाए। तिलोनिया की इस संस्था में तो शिक्षा का कुछ और ही स्वरूप है। लगता है यहाँ कार्य कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है। अक्षरों और अंकों के साथ साथ कुछ हाथ का काम भी सीखा जाए तो और भी अच्छी बात है। इससे कुछ रोजगार भी कर सकते हैं और आत्मविश्वास भी तो बढ़ता है। शायद मुझे इनके अनुभवों से लाभ हो सकता है। फिर नाइट स्कूल में पढ़ा था रात को, जिसके बाद फिर मैं यहाँ आए तिलोने में आए थे काम सीखने लिए, और फिर स्क्रीन पेंटिंग का काम सीखा साल भर तक। उसके बाद मैं पहले कुछ नहीं जानता था, फिर यहाँ आके सीखा, एक साल भर किया स्क्रीन पेंटिंग में काम मैंने, वह सीखा। फिर बाद में यहाँ लकड़ी का मैं काम करने, यहाँ भी कुछ नहीं जानता यहाँ भी, फिर बाद में यहाँ अब सीख रहा हूँ अभी तो। यहाँ मैं 2 साल से यहाँ तिलोनिया में काम कर रहा हूँ, यह लकड़ी का सेक्शन 2 साल से चला है, और यहाँ पे 8 लड़के विकलांग हैं सारे, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं लकड़ी के काम के, और यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने बना रहे हैं, नाइट स्कूल और बालवाड़ी के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे उनके लिए ये खिलौने बना रहे हैं। और अभी तक हमने कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, जैसे इंजन का है, जिक्सो का है, ऐसे 8-10 तरह के मॉडल हमने बनाए हैं। वाह, इतने सुंदर सुंदर खिलौने, ये तो रद्दी से बने लगते हैं। अच्छा, तो ये सारे खिलौने इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, कपड़ों की बेकार पड़ी कतरनों और रद्दी अखबारों से काम की चीजें बनाना, यानी कबाड़ से जुगाड़। संस्था के इस विभाग का नाम भी यही है ना, कबाड़ से जुगाड़। वैसे ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें भी लगन होनी चाहिए और शायद प्रशिक्षण भी जरूरी होता होगा। नव साक्षरों के लिए आमदनी का ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। मैं रात के स्कूल में काम पढ़ाई करती थी और कबाड़ जुगाड़ में यहाँ पे आके मैं काम करने लगी थी। नाइट स्कूल पढ़ा हुआ हूँ मैं, और मैं संस्था में नाइट स्कूल छोड़ के करीब 2 साल बाद में मैं सरकारी स्कूल में भी गया 2-3 साल तक, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी पढ़ाई के अंदर, और उसके बाद में मैं यहाँ संस्था के अंदर लग गया और इसी सेक्शन के अंदर कबाड़ से जुगाड़ में मैं लगा था। पहले तो हम कुछ भी नहीं कमाते थे, और नहीं हम सब मजदूरी होती थी, और अभी तो हम यहाँ पे आके और 44 की रेट कमाते, 1320 रुपये मिलते हमको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि प्रौढ़ शिक्षण से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। किस तरह सूक्ष्म तारों को जोड़ जोड़ कर
प्रकाश पैदा कर रहे हैं। शायद इन्हें संस्था की वजह से अवसर मिला है, इसलिए। वैसे इस संस्था ने रात्रि पाठशाला चलाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया था। पहले मैं रात की स्कूल में पढ़ा था 5 बजे तक, उसके बाद मैं 6वीं 7वीं 8वीं में दिन की स्कूल में किया, और उसके बाद मैं घर में बकरियां चराता था। घर तो हमारी कदमपुरा पिल सेंटर वालों ने कहा कि तिलोनिया गांव में कुछ संस्था है, वहां जाके आप काम करो। तो हमने फिर वहां से लेके आए तो यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग में छोड़ा। पहले स्क्रीन प्रिंटिंग में साल भर वहाँ काम किया। हमारा एक पिल सेंटर है जयवाजा, तो वहाँ से मतलब हमको यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा तिलोनिया, और वहाँ से हमारे एक मतलब कोऑर्डिनेटर हंसरूप जी हैं, उन्होंने आके हमको बताया, बोला आपको सोलर का ट्रेनिंग करना। मैं पढ़ी लिखी भी बहुत कम हूँ, 3री 4थी पढ़ी हूँ, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। पहले मैं रात्रि शाला में पढ़ती, 5वीं तक पढ़ाई की, और बाल संसद में मंत्री भी है। फिर बाद में 3 साल तक रात्रि शाला चलाई और दिन में बालवाड़ी चलाई, फिर यहाँ आ गई तिलोनिया में। मेरा पढ़ाई जो नाइट स्कूल से शुरू हुआ, उसके बाद में बीच में जो पढ़ा वो, उसके बाद में 91 से यहाँ संस्था में आया। शुरू से 91 से यहाँ सोलर सेक्शन में काम कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने मतलब यहाँ खुद करके सीखना है प्रैक्टिकल रूप में। यहाँ जो भी बताते हैं हमारे जो उस टाइम गुरुजी थे, हमारे गुरु सिखाने के लिए, तो उन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग आते रहते हैं यहाँ, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ मैं सोलर लालटेन बना लेता हूँ, और चार्जर तो चार्जरों को पर टेस्ट भी कर लेता हूँ, और काफ़ी सर्किट लालटेन का जो पुराना वाला सर्किट है उसको भी बना लेता हूँ। जो हम मतलब अभी लैंप बना लेते हैं, 2 साल से हम सीख रहे हैं, तो सीखते हुए लैंप का सर्किट भी बनाते हैं, चार्जर का भी बनाते हैं, और लालटेन का सर्किट भी बनता है, सब मतलब हम यहाँ बनाना सीख रहे हैं। यहाँ से सीखने के बाद वहाँ जाना है कोटड़ी सेंटर में, मंथन संस्था है वहाँ, वहाँ जाना है, फिर वहाँ काम करना है। सचमुच अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हर गांव में ऐसी संस्था भी तो नहीं हो सकती। मुझे बाकी राजस्थान के बारे में भी जानना चाहिए। देश के पैमाने पर राजस्थान की साक्षरता 29वें स्थान पर है। ९९१ में यहाँ की साक्षरता दर 38% से थोड़ी अधिक थी, 2001 में 61% हो गई। प्रगति अच्छी है। पुरुष साक्षरता दर अच्छी लगती है, 76%। लेकिन महिला साक्षरता तो काफी कम है, 100 में सिर्फ 44 ही पढ़ना लिखना जानती हैं। राजस्थान राजा रजवाड़ों का राज्य रहा है। राज्य की राजधानी जयपुर के चारों ओर खड़ी किलों की प्राचीरों से पता चलता है कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा होगा। हवा महल, यहाँ के झरोखों से राजघराने की महिलाएं सड़क का अवलोकन करती थीं। यानी पर्दे और घूंघट ने यहाँ की महिलाओं को हमेशा से बांधे रखा। क्या यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अब भी महिलाओं को पीछे धकेलने का काम कर रही है? पर अब तो समय बदल चुका है, ना राजा रजवाड़ों के दिन रहे ना उनका प्रभाव, अब तो समय के साथ साथ वो भी बदल रहे हैं। जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय वैसे भी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें नक्षत्रों की विशेष जानकारी थी। फिर ऐसा कैसे हुआ? देश को आजाद हुए वर्षों बीत चुके,
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। फिर यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर इतनी कम क्यों है? ये सवाल तो मेरे गांव और शहर का भी है, शायद आपका भी यही सवाल हो। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर आगे कहीं मिले। अजमेर शरीफ, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कहा जाता है यहाँ हर एक की मुराद पूरी होती है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि साक्षरता आंदोलन के अभियान में पीछे छूट गए लोगों को भी अवसर मिले। शायद अजमेर में मुझे अपने सवालों का भी जवाब मिल जाए। वैसे भी सुना है साक्षरता के मामले में यहाँ काफी कुछ हुआ है। राजस्थान में अजमेर जिले में साक्षरता अभियान सन 1990 में प्रारंभ किया गया। उस वक्त ये बहुत मुश्किल काम था कि निरक्षरों को साक्षर किया जाए। पुरानी परंपराओं के अनुसार उनमें ये था कि पढ़कर क्या करना, कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं। अंधविश्वास भी बहुत था। इसके लिए हमने एक वातावरण बनाने के लिए वातावरण कार्यक्रम सर्वप्रथम हमने किया। वातावरण में हमने कठपुतली कार्यक्रम के थ्रू सोशल इविल्स, जो पुरानी परंपराएं थी जो गलत थी, जिससे दवा का किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये एक एनवायरनमेंट बनाया जिसमें जो पुरानी कुरीतियाँ, जो गलत कुरीतियाँ चल रही थी, उसको एक मैसेज विलेज टू विलेज दिया। देश के दूसरे राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी 1990-91 में साक्षरता अभियान का दौर शुरू हुआ था। कला जत्थों के माध्यम से गांव-गांव घूम घूम कर लोगों को जगाया गया था, पढ़ने और पढ़ाने की प्रेरणा दी गई थी। फिर क्या हुआ कि महिलाएं ही पीछे छूट गईं? पहले हमने साक्षरता का कार्यक्रम हाथ में लिया, वो चला। उसके बाद में अजमेर जिले में बहुत अच्छी सफलता मिली, उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, मान्यता दी गई, और उसको आगे बढ़ाते हुए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम हाथ में लेकर के चलाया। अभी जो फिलहाल हम काम हाथ में लिए हुए हैं, उसे हमने सतत साक्षरता का, सतत शिक्षा का कार्यक्रम नाम दिया है, और उसी के तहत यहाँ पर जिले भर में 970 प्रभारी और उनके साथ में इतनी ही संख्या में सहायक प्रभारी, 970 केंद्रों पर सतत शिक्षा केंद्रों के प्रभारी और उनके सहायक प्रभारी, इस तरीके से बना के हमने पूरे जिले में अपना जाल फैलाया है शिक्षा के लिए। मान लीजिए आपके किताबें लेने वाले थे 60, समाचार पत्र पढ़ने वाले थे हमारे 30, खेलकूद वाले ये थे तो सचमुच बहुत अच्छी पहलकदमी है। साक्षरता से सतत शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने से पहले इस तरह की तैयारियां जरूरी हैं। वैसे भी सतत शिक्षा का मतलब ही है लगातार शिक्षा, और इसका अर्थ भी तो व्यापक है। इस ख्याल से इन प्रेरकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसमें किसको ले, शायद इसलिए इन्हें पूरी तरह सजग किया जा रहा है। इस माह में जो नया जुड़ेगा उसको जोड़ना, मतलब ये जो पहले जो आपके यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं, वो अगर रेगुलर आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, इसको आप दोबारा नहीं जोड़ोगे। इनसे उम्मीदें भी काफी हैं। ये न सिर्फ वापस अपने गांव में जाकर सतत शिक्षा केंद्र संचालित करेंगे, बल्कि उसका पूरा ब्यौरा भी रखेंगे। सतत शिक्षा कार्यक्रम की सफलता का पूरा दारो मदार इनके ऊपर है। ज्यादा हो गए ना, अब मान लीजिए गांव की जनसंख्या आपकी 500, तो ये 2-3 महीने में आपकी उससे ज्यादा पहुंच जाएगी अगर आप इन सबको बार बार जोड़ते रहेंगे। मुझे पता करना चाहिए इस प्रशिक्षण में क्या क्या हो रहा है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। अभी हमारा 3-7 तारीख तक मसूदा पंचायत समिति का प्रभारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अजमेर जिले में कुल 8 पंचायत समितियाँ हैं, सभी पंचायत समितियों के प्रशिक्षण चलेंगे। पहले 5 दिन प्रभारियों के और उसके बाद 5 दिन के लिए सहायक प्रभारियों के,
तो यानी एक पंचायत समिति का प्रशिक्षण 10 दिन का चलेगा और इसमें हम इनको सतत शिक्षा कार्यक्रम की क्या अवधारणा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं और उद्देश्यों के पूर्ति के लिए इनको क्या क्या काम करने हैं वहाँ जाकर उसके बारे में बताते हैं ताकि ये पूरा काम कर सके। वहाँ पे निरक्षरों को कैसे साक्षर किया जाना है, उसके लिए पढ़ाने के लिए कौन सी विधा होनी चाहिए, उसके बारे में इनको जानकारी देते हैं। ये लोग तो अब अलग अलग ग्रुप में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। लगता है छूट गए लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं। शायद ये भी इस प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है। इस तरह से ये लोग प्रशिक्षण में बताई गई बातों पर आपसी समझ भी बना सकते हैं। इसमें वो अपने अनुभव भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी भी है, आखिर इन्हीं लोगों को तो गांव में जाकर सतत शिक्षा केंद्र चलाना है। मुझे इन प्रेरकों से भी बात करनी चाहिए। अभी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि सतत शिक्षा केंद्र को सूचना केंद्र में के रूप में कैसे मोड़ा जाए या उसको दिशा दी जाए। अभी हम ग्रुप बनाकर प्रभारी के केंद्र के संबंधित कार्य लिख रहे थे, जो केंद्र पर क्या क्या होता है, केंद्र खोलने का कार्य करना। हमारे को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमको इसमें सुचारू रूप चलाने के लिए पहले तो हमको इनका मतलब संचालन के लिए प्रारूप तैयार किया कराया गया, प्रारूप रूपरेखा। हमारे अनुभवों से हमने जाना कि केवल साक्षरता के बारे में बात करें, जैसा मैंने कहा केवल अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान के बारे में बात करें और उसे व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से, उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की स्थिति से नहीं जोड़ें तो उसमें इतनी अच्छी सफलता और उतना हमारा भावनात्मक लगाव पैदा नहीं होगा। इसलिए हमने इसे हमारे इस जो मैंने कहा आपको प्रभारियों और सहायक प्रभारियों के व्यवस्था के तहत काम करें उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, आय की अभिवृद्धि। यह मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जिले में 4,620 महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए। ये 6 महीने हमने जुलाई में इस अभियान को शुरू किया था और इसको हमने इन्होंने इंटरनल लोडिंग किया। इंटरनल लोडिंग करने से इन्होंने जो जो अपने लाभ उठाए उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो छोटी मोटी जो इनकी बचत थी, गरीब महिलाएं होती इस ग्रुप में होती हैं, अमीर महिलाओं को नहीं रखा गया, गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया। इन्होंने आपस में लोन लिया, किसी का बच्चा बीमार हुआ उसने बीमारी के लिए लोन ले लिया, किसी ने अपनी भैंस खरीदी ताकि उसे मिल डेयरी का काम करके अपनी इनकम को बढ़ाए, किसी ने सिलाई मशीन ली और कपड़ा सीकर अपनी रोजी रोटी का तरीका निकाला। 2 समूह बनाए हैं मैंने, उसमें एक में तो 12 महिलाएं हैं, एक समूह के अंदर 15 महिलाएं हैं, एक ग्रुप में 20-20 रुपए का है, एक ग्रुप हमने 50 रुपए का बनाया है, उसमें बराबर हमारा समूह चल रहा है और औरतें वापस लोन भी ले रही है, किसी ने अभी चारा लाने के लिए पैसे लिए, किसी ने शादी थी तो मायरा वायरा भरने के लिए भी पैसे लिए थे, किसी ने चक्की लगाने के लिए भी पैसे लिए बैंक के लोन में से। यहाँ महिलाओं के स्व सहायता समूह भी देख ही लेती हूँ, शायद उनके अनुभवों से ही कोई नई बात बने। अजमेर में स्व सहायता समूह को भी साक्षरता प्रसार का एक माध्यम बनाया गया है। इसमें अगर कोई महिला ऐसी है जो साक्षर होने से छूट गई थी तो उसे पढ़ चुकी बहनें पढ़ाती भी हैं। यहाँ ये लोग समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श भी करती हैं। वैसे स्व सहायता समूह में पैसा जमा करने और जरूरत पड़ने पर आपसी सहमति से ऋण देने का प्रावधान तो है ही। ₹10,000 ऊंट के लिए लिया था, 100 रुपया कमाते हैं, 50 कर्ज भरते हैं, 50 से घर चलता है। 10,000 लोन लिया गुलाब के ठेके के लिए, जो ठेका गुलाब का लेके और फूल लाके माला बेचते हैं तोड़ तोड़ के लाके। ट्रेनिंग में भेजो जो खर्चा के लिए किराया भाड़ा के लिए 2,000 के लिए।
हजार रुपया मैंने लिया जो खेती में लगवाया था। हजार रुपया लिया था उससे खाद खरीदा और खेती में डाला। हजार रुपया लिया। पहले मोल लाते थे दो दो पाँच पाँच किलो, अब घर में होते हैं जो आप लाके माला बेचते हैं जो 200 रुपए हो जाते हैं रोज के। गांव में हम समझते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई, सबसे बड़ी बात तो यह है। हमारा जो शिक्षा का कार्यक्रम था, साक्षरता का कार्यक्रम था, वो केवल अक्षर ज्ञान कराने या अंक ज्ञान कराने तक ही निर्भर सीमित नहीं था। हम समझते हैं कि इससे एक बहुत बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। राजस्थान के गाँव की इन महिलाओं ने घूंघट से बाहर निकलकर इतना कुछ किया, तभी तो इनके गीत में खुशी की लहर है। अक्षरों से शब्द और शब्दों से आगे निकलकर रोजगार तक, निश्चित रूप से ये साक्षरता आंदोलन की ही उपलब्धि है। ऐसा ही कुछ हमारे गांव में भी होना चाहिए, शायद इससे भी आगे, क्योंकि अभी भी राजस्थान में बहुत से लोग छूट गए हैं, विशेषकर महिलाएं।